अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। वीडियो तो अभी बना रहा हूँ, पता नहीं अभी ये इवनिंग में जाएगी या मॉर्निंग में। बहरहाल दोस्तों, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई होप के साथ हम इस ड्रा का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, एक दोस्त ने कमेंट किया कि आपने सच बोला कि ड्रा के बाद सब बोलते हैं कि मेरा गेम पास हुआ। अगर जो सब गेम का रिव्यू देखें तो हमारी चीज़ें तो सब 9 जो एच में आना था वो भी आ गया, 3-0 का एक पेयर भी दिया था। लेकिन असल में क्या होता है कि इन सब को एक चैन होती है, इसको समझना पड़ता है, इसको लेकर चलना पड़ता है। तो उसमें जब भी कमी पेशी रह जाएगी तो गेम हमारे हाथ से निकल जाएगी, वरना गेम तो हर बार अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथ में होती है। क्योंकि दोस्तों, भी मैं फुल टाइम कर रहा हूँ इस पे, तो आप दोस्तों का तावन चाहिए कि एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तमाम अपने दोस्त फ्रेंड्स जो, क्योंकि मैं ना तो मेरा कोई फेसबुक पे ग्रुप है ना व्हाट्सएप का एक ही ग्रुप है जो पुराने दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं इतनी कोशिश भी नहीं करता। तो आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस चैनल को प्रमोट करें, ताकि अगर मैं फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग हो जाऊंगा तो फिर आप दोस्तों को मैं पूरा फुल टाइम जॉब करूंगा। मुझे दोस्तों इतना लालच नहीं है ना, मुझे ये है कि मेरा अगर घर का खर्चा आप लोगों के तावन से और यहाँ से चल जाए तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं, और फिर मैं पूरे फोकस अपनी गेम पे करूँ। तो जब आदमी टेंशन में होता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। अभी दोस्तों चलते हैं इस नए ड्रॉ के लिए। फर्स्ट वीडियो है मेरा ये दोस्तों, ये 1993 में एक रिज़ल्ट आया 816, तो यहाँ से भी शुरू करेंगे। ये देखें 1993 में 816, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। यहाँ पर रिजल्ट आया दोस्तों 149, ये सेट 149 फर्स्ट टाइम जब 816 ओपन हुआ। उसके बाद 2000 में ओपन हुआ, ये देखिए 816, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, तो यहाँ पर रिजल्ट आया 542। उसके बाद दोस्तों थर्ड टाइम ये ओपन हुआ 2009 में, ये देखें 816, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे अभी हमारा रिजल्ट आना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी ये 2016 में ओपन हो चुका है, लेकिन वो क्योंकि वहाँ तक अभी हम पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि हम थर्ड टच खेलते हैं, थर्ड टच में हमेशा गेम बनती है। तो देखें दोस्तों, फर्स्ट टाइम जब ये 1993 में 816 ओपन हुआ, तो यहाँ पे जब इसको 816 से क्रॉस में गिनेंगे तो ये 10 ड्रा पे 149 आया, सेकंड टाइम 542 आया और थर्ड टाइम अभी यहाँ पे आना है। तो पहले दोस्तों इसको समझ लेते हैं कि ये क्या कैसे सेट आया और टोटल कहाँ से आया इसका। पहले देखें 149 के ऊपर आया रिजल्ट 1474 दोस्तों, तो इसका मिडल डिजिट क्या है, 1। जब ये 1 लगा एच में था 7, नीचे टोटल आया 4 का, ये 1 तो 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 के। उसके बाद दोस्तों 542 के ऊपर आया 456, तो मिडल का डिजिट 5, तो एच में आया 4, टोटल नीचे आया 1, तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। जैसे ये 1 था तो 7 प्लस 4 1 हुआ, ये 5 है तो 4 प्लस 1 5। अभी थर्ड टाइम यहाँ पे दोस्तों रिजल्ट आना है, इसके ऊपर 903 आया, तो 0 है मिडिल का डिजिट, एच में है 9, तो 0 पूरा करने के लिए ये 1 का टोटल आए, तो ये बने 0। उसके बाद दोस्तों इसको हम टोटल को वेरीफाई कैसे करेंगे, जब दोस्तों ये 1 लगा, ये 2 एच और नीचे टोटल का 1 बना, तो इससे पहले 2 टोटल ओपन हुए 5, उससे पहले 4, ये तीनों को हम प्लस करेंगे।
ये वन, तो ये वन, तो फिर ये तीनों का, अब तीनों पे आ जाते हैं, 4 + 5 + 4 इज इक्वल टू 3 के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ये दो टोटल जो ओपन हुए इससे पहले, 7 + 4 + 1 इज इक्वल टू 2 के। तो अभी दोस्तों जब ये 0, तो ये 9 + 1 0 हो, तो ये टोटल 5 का, ये भी 5 का और ये 1 का, 5 + 5 + 1 इज इक्वल टू 1 के। तो अभी आप समझ गए होंगे कि जब ये 1 लगा, 1 बना, तो 3 टोटल का 3, ये 5 लगा, 5 बना, 3 टोटल का 2, ये 0 लगा, 0 बना, 3 टोटल का 1। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 714 से एक पेड़ नीचे आ गया, 149। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट पेयर 4 5 का, तो नीचे आ गया 5 4। अब यहाँ पे 903 से एक पेयर नीचे को आए, तो टोटल 1 का है। तो इसमें समझना चाहिए एक और चीज़ जो चल रही है, 903 से पेयर और टोटल 1 का। वैसे तो रूटीन वाइज देखें, ये मिडिल का डिजिट एच से एच में आ गया, जब ये एच से एच में आया, 1 लगा, तो 6 मिडिल के तीनों डिजिट, अभी 6 1 4, 6 1 4 का भी 1 बना, ये एच में 1 लगा तो 1 तीन डिजिट का भी 1 बना, ये एच में 5 लगा तो ये तीन डिजिट का भी 5 लगा। अभी अगर तो दोस्तों वो यहाँ से एच लेता है 903 से, तो चलो पहले हम सिंपल नंबर बना लेते हैं। यहाँ पे वैसे एक सेट जो बन रहा है वो मुझे दिख रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पहले लास्ट पेयर आया, फिर फर्स्ट पेयर आया, अब यहाँ पे ओपन पेयर आना चाहिए, वो क्यों? देखें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से 3 ले लेते हैं, 3 एच में आए, तो 3 तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? 4 0 और 9। ठीक है, ये 3 9 का पेयर यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये जब 3 लगे तो ये तीनों का 3 भी बने, और टोटल 1 है, तो 3 9 9 ये सेट। ठीक है दोस्तों, सीधा सीधा जाए तो यही सेट स्ट्रॉन्ग बनता है, क्योंकि वो बाकी चीज़ें सीक्वेंस नहीं पूरा करती। उसके अलावा जो दूसरा सेट है दोस्तों, वो है हमारा 2 9 0, और तीसरा सेट है 3 0 8। ये पोजीशन कोई भी हो सकती है, इस सेट की पोजीशन स्ट्रेट है, बाकी ये दो सेट जो है इसमें कोई भी पोजीशन हो सकती है, क्योंकि अगर हम इस चीज़ को फॉलो करें तो रूटीन वाइज 3 9 का पेयर यहाँ पे आना चाहिए, और रिजल्ट भी 3 9 9। अगर टोटल चेंज करता है तो लास्ट में कोई और डिजिट आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये रूट आपको पसंद आएगा। हम दोस्तों कंटिन्यू जो एच में डिजिट आ रहा है हमारे पास, ये पहला जो रूट आपने को दिखाया मैंने, उसके अलावा जो मैंने एक सेट 2 9 0 दिखाया वो भी पॉसिबल है। उसका रीज़न मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये एक सिस्टम कंटिन्यू चल रहा है जहाँ से हमारा लास्ट टाइम एच भी पास हुआ है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से चला और क्या। अब ये रिजल्ट आया 7 6 4 9 3 2 और 0 0 4, तो इन 3 डिजिट का ओपन डिजिट किया, प्लस किया, 6 बना, फिर ये लास्ट दो डिजिट, ये तीनों प्लस 6, तो ये लास्ट दो 6, तो एच में 6, साथ में आया 4। फिर दोस्तों इसके क्रॉस में ये 3 डिजिट का 7 बना, 2 डिजिट का 7 बना, तो एच में 7 आया, साथ में 4 आ गया। उसके बाद दोस्तों ये 3 डिजिट का एक 8 बना, 2 डिजिट का 8 बना, और एच में 8 आ गया, और उसके साथ 4 ही आना था। उसके बाद दोस्तों जब ये चीज़ हो गई, यहाँ पे 6 4 की पेयर, 7 4 की और 8 4 की, उसके नीचे क्या है, ये 3 डिजिट का बना 6 लग के 2 और क्रॉस में 8, फिर ये 3 डिजिट का दोस्तों बना 2 और क्रॉस में 8। तो अभी यहाँ पे 3 डिजिट का 2 बनने के लिए 9 चाहिए था, और क्रॉस में 8 बनने के लिए भी 9, तो ये इसलिए क्लियर था, तो ये 9 एच इसलिए लगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके नीचे क्या चल रहा है दोस्तों, फर्स्ट टाइम जब ये 6 लगा, 2 बना, 8 बना, तो ये टोटल आया 1, नेक्स्ट ड्रा में एच में 1 आ गया। फिर जब ये
4 लाख के 2 बना और क्रॉस में 8 बना, तो ये टोटल लगा 7 का, तो एच में 7 आ गया। अभी दोस्तों इसी तरह जब ये 9 लाख के 2 और क्रॉस में 8 बना तो टोटल 2, तो एच में इस रूटीन से 2 आ जाए। तो अगर उस चीज़ को पिछले जो हमारा रूट मैंने आपके साथ शेयर किया है उसको और इसको चेक करें, तो अगर टोटल 1 का है तो ऊपर से 903 से पेयर आए तो एक 9290 सेट बनता है। बहरहाल दोस्तों 3 सेट आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ इस रूट से भी, तो इसलिए मैंने ये दोनों चीज़ें साथ में कर दिए ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।